मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार ने शुक्रवार को महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जहां कमलनाथ सरकार ने भू राजस्व संहिता की धारा 165, 170 एंड 172 को समाप्त करने का फैसला लिया है। जी हां, इस महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आदिवासी अनुसूचित क्षेत्रों में गैर आदिवासियों को जमीन के डायवर्जन भूमि के उपयोग का अधिकार देने का फैसला किया है। इसके लिए भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 165, 170 और 172 समाप्त होंगे। इसके बाद वह बंधन खत्म हो जाएगा जिसमें सामान्य वर्ग का व्यक्ति 10 साल पहले जमीन का उपयोग परिवर्तन नहीं करवा सकता था, जिसे सरकार ने खत्म किया है। जिसको लेकर कमलनाथ सरकार के इस प्रस्ताव का मनावर विधायक एवं जयस के राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर हीरालाल अलावा ने विरोध किया है। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार की कैबिनेट ने जो कल 27 नवम्बर को जो निर्णय लिया है कि अधिसूचित क्षेत्रों में सामान्य वर्ग की जो डाइवर्जन की अनुमति कलेक्टर से लेना पड़ती है उसको खत्म किया है, और भू राजस्व संहिता की धारा 165 और 170 में जो इन लोगों ने बदलाव किया है, ये इससे प्रदेश के आदिवासी समाज में आक्रोश व्याप्त है और प्रदेश का आदिवासी समाज बिल्कुल इससे खुश नहीं है, क्योंकि अनुसूचित क्षेत्रों में जो उनको अधिकार 5वीं अनुसूची और पेशा कानून के तहत दिए गए, इसमें सबसे बड़ा उनको एक आशंका जो पैदा हो गई है कि अधिसूचित क्षेत्रों में जो आदिवासी क्षेत्र में जो जमीन है, जो चरनोई भूमि है, नारंगी भूमि है और निस्तार पत्रक में दर्ज जो भूमि है, उनको ये लग रहा है कि अब इस नियम के कारण प्रदेश के आदिवासी इलाकों में जो भी जमीनें हैं उन पर कॉरपोरेट्स का कब्जा हो जाएगा, बड़े बड़े उद्योगपतियों का कब्जा हो जाएगा और आदिवासियों को वहाँ से विस्थापित किया जाएगा। तो इस कैबिनेट के इस फैसले का हमने कई संगठनों से इस पर चर्चा की, सारे संगठनों ने कहा कि इस ये आदिवासियों के हित में नहीं है और इसके खिलाफ वो प्रदर्शन करेंगे, और व्यक्तिगत रूप से मैं भी कहना चाहूँगा कि बिल्कुल इस निर्णय से मैं भी कुछ सहमत नहीं हूँ और मैं चाहूँगा मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार इस फैसले को निरस्त करे, और ताकि आदिवासियों के साथ उन्होंने प्रदेश में जो वादे किए हैं उनकी जमीन और उनके जल जंगल जमीन दिलाने का जो उन्होंने वादा किया था चुनावी घोषणा पत्र में 5वीं अनुसूची और पेशा कानून को लेकर उन्होंने जो प्रदेश के आदिवासियों के साथ वादा किया है उसको निभाए और इस जो निर्णय लिया उसको निरस्त करे। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।